उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई आपकी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा अर्थात सीईटी 2021 के रिजल्ट अनाउंसिंग को लेकर के बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के हम आए हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि पिछला लगभग एक महीना हो चुका है और आपका रिजल्ट अभी तक आयोग के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। रिजल्ट आएगा तो नई भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करेगा आयोग, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो भर्ती प्रक्रिया भी आपकी लंबित रहेगी। तो रिजल्ट के बारे में जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं सूत्रों के द्वारा वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले रिजल्ट की यदि बात की जाए तो रिजल्ट आपका जो आयोग है वो जारी करेगा, देखिएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में संभावना है कि आपका रिजल्ट जो है आ जाए, और इसके लिए जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया था कि आयोग ने जिस तरीके से बातचीत हुई है तो उसमें आपकी जो OMR है उनकी चेकिंग चल रही है। लगभग 70-75 हज़ार OMR की चेकिंग आपकी रोज़ होती है और ये जो कार्य है वो लगभग 20 से 22 सितंबर के आसपास आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आयोग जो है आपका मंथन करेगा किस तरीके से आपका रिजल्ट या कट ऑफ का यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि कई फॉर्मूले के बेसिस पर आपकी जो है कट ऑफ तैयारी करने की बात की जा रही है। तो आयोग भी इसको लेकर के असमंजस में है आखिरकार किस तरीके से अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ तैयार किया जाए, क्योंकि यहाँ जो आगे की भर्ती प्रक्रिया होनी है उसमें भीड़ को छाटते हुए विशेष और योग्य अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। तो के हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती हैं, जिसमें चक्षु पब्लिकेशंस ने कुछ पुस्तकें बनाई हैं विशेष रूप से लेखपाल भर्ती की तैयारी के लिए। ये पुस्तक जो है एक गाइड बुक के रूप में है, आपको उसमें सारे के सारे विषयों को जो है अच्छे तरीके से कंटेंट को शामिल करते हुए ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार की जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए छापा गया है। दूसरी बुक्स जो है आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट के लिए है, जिसमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं जो लेखपाल भर्ती के पिछले प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। और तीसरी जो बुक्स है एक सब्जेक्ट होता है उसमें ग्रामीण विकास और परिवेश से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसका जो पार्ट है वो 25 क्वेश्चंस का होता है, तो उसको अच्छे तरीके से करने के लिए इसकी सेपरेट बुक्स भी अलग से तैयार की गई है, तो उसको आप खरीद सकते हैं। लिंक आपको इनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप इसको खरीद सकते हैं, आपको एक घर पर ही ये पुस्तकें आपको आसानी से सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट और कट ऑफ आपका किस तरीके से होगा और किन भर्तियों में कैसे किस तरीके से आप जो है इसको वैल्यूबल बना सकते हैं, यानी कि मान्य आप इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा आयोग के चेयरमैन की ओर से घोषणा की गई थी, जब आपका जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो उसमें आपके लिए आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर दर्शाए जाएंगे, जो भी आपने स्कोरिंग की हुई है 100 क्वेश्चंस में से आपने जितने भी सही किए हैं जितने भी गलत किए हैं तीनों का डेटा आपको दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, राइट क्वेश्चंस होंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और आपका जो फिर किस तरीके का स्कोर बनता है नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद वो दिया जाएगा। तो ये मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें विशेष तौर पर आपको जो है सारी की सारी डिटेल दी जाएगी कि नेगेटिव काटने के बाद आपका फाइनल स्कोर ये है। उसके बाद एक रैंक आपको दी जाएगी, एक रैंक समझ लीजिएगा या इसको आप जो है परसेंटाइल समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बताया जाएगा कि आप जो हैं कहाँ से कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अर्थात कितने अभ्यर्थियों में आपका जो है नंबर कहां पर बन रहा है। तो एक विशेष परसेंटाइल या रैंक आपको दी जाएगी जिसके आधार पर आपको जो है सूचना मिल जाएगी कि आप जो हैं लगभग इतने अभ्यर्थियों में हैं और ये जो रैंक है या आपकी परसेंटाइल है उसी के बेसिस पर आपको जो है यहां पर आगे की भर्तियों में मौका दिया जाएगा। तीसरी बात जो है ये जो क्वालिफाइंग वाला मैटर आया है कि क्वालिफाई कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए, तो क्वालिफाई के लिए भी आयोग जो है तय कर सकता है अपना मानदंड। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि चेयरमैन ने जिस तरीके से बयान दिया है उसी पर कार्रवाई होगी या क्वालिफाई वाला मैटर भी आपके लिए हो सकता है। जिस तरीके से क्वालिफाई रखा जाता है TET एग्जाम्स के लिए या विशेष परीक्षाओं के लिए
60% या उसके आसपास, तो ये भी आपका क्वालिफाइंग स्कोर भी रखा जा सकता है। तीसरी कंडीशंस ये है कि आपका जो भर्तियां होंगी, जिस तरीके से भर्तियां होंगी, तो उसको लेकर के बड़ी स्थिति बनी हुई है कि उनमें आवेदन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यदि कुछ विशेष अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयनित किया जाता है भर्ती में आवेदन के लिए, और उनके पास जो भर्ती आपकी निकलेंगी, जैसे मेडिकल स्टाफ में निकलेंगी या लेखपाल में निकलेंगी या किसी अधिकारी के लिए निकलेंगी, तो उनमें विशेष डिग्री या डिप्लोमा भी मांगा जाता है, कुछ में ग्रेजुएशन मांगी जाती है, कुछ में ट्वेल्थ मांगी जाती है, और PET आपका जो है 10th स्तर पर था, तो वो अभ्यर्थी अच्छा रैंक लाने के बाद भी उसमें क्वालिफाइंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो जहाँ तक मेरी प्रक्रिया है कि ये शायद परसेंटाइल वाला मैटर जो है यहाँ से काट दिया जाए और आपको जो है क्वालिफाइंग के तौर पर जो है एक कट ऑफ प्रोवाइड की जाए कि आपकी जो आप जो है क्वालिफाई हो भर्तियों के लिए या आप जो है डिसक्वालीफाई हो, जिस तरीके से TET या CTET में रखा जाता है। तो अभी तक आयोग ने हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया है कि किस तरीके से होगा, दो चार दिन में आपके सामने जो है यहाँ पर सभी चीज़ें साफ हो जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।